हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। सो बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी जिसे हम कहते हैं सीपीसीबी, यहाँ से एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन क्या है? बेसिकली यहाँ पर एक जॉब के रिगार्डिंग बात करी जाएगी और उस जॉब में कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिर सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है जो कि आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो गया और इसका एंड ऑफ डेट 31 मार्च है। एडवर्टीजमेंट क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा नोटिस हमने डाउनलोड कर रखा है। सो ये हमारा नोटिस है, यानी कि सीपीसीबी की तरफ से आपका एक नोटिस आता है। यहाँ पर जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, क्या नोटिस है उसके बारे में एक बार आप यहाँ पर देखिए। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है कि ये जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपका जो डेट स्टार्ट था 6 मार्च से लेकर आप 31 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या पोस्ट यहाँ पर निकली है जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकली है। साइंटिस्ट बी की पोस्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट है, ST 5, OBC 15, EWS के लिए 5 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27। तो देखा जाए तो टोटल आपके पास 62 पोस्ट साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, जिसमें लेवल 10 इन द पे मेट्रिक्स और आप सैलरी देख सकते हैं 56, वही लेवल 10 का है यहाँ पर, 56,000 स्टार्टिंग एंड 1,77,500। सो ये आपका क्या हो गया, पे स्केल का हो गया मेंशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अलाउंसेस वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है। अपर एज लिमिट कितनी है? 35 ईयर्स। अगर आप 35 ईयर्स के अंडर हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द साइंटिस्ट बी। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वेल, एक यही पोस्ट नहीं निकली है यहाँ पर, आप देख सकते हैं असिस्टेंट लॉ प्रोफेसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर निकल रखी है, जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं और सबका यहाँ पर मेंशन भी है डाटा। तो उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है एज रिलैक्सेशन का। तो एक बार आप एज रिलैक्सेशन का ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन सबका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर डाटा दे रखा है। तो ये बात रही आपकी एज रिलैक्सेशन की, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बाद आपका जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है हमारा, ओके दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर आप यहाँ पर साइंटिस्ट बी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहला पोर्शन क्या होगा कि बैचुलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूशन इन द सिविल केमिकल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसके लिए 34 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के पास 4 पोस्ट है। प्रोफेशनली क्या है कि अगर आपके पास, उसे प्रेफर किया जाएगा अगर किसी के पास मास्टर डिग्री भी है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे कोई एग्जाम के बारे में मेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, साइंटिस्ट बी के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 24 पोस्ट उनके लिए है। किन के लिए? जो यहाँ पर, क्योंकि टोटल 62 थी तो 62 में इन्होंने डिवाइड कर रखा। तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया कि जिनके पास मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री के अंदर, तो जो भी बच्चा मास्टर्स कर रहा है केमिस्ट्री के अंदर, जिसके पास कंप्लीटेड मास्टर डिग्री है ऑल ब्रांचेस, ठीक है, सारी ब्रांचेस, और एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अगर ये है, या तो आपके पास एमएससी है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, मटेरियल साइंस, मटेरियल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल है, कुछ भी आपके पास मास्टर्स है, या एनवायरमेंटल साइंस का आपके पास मास्टर्स है, ठीक है, आपने मास्टर्स कर रखे एनवायरमेंटल साइंस में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 पोस्ट है और प्रेफर किसे किया जाएगा, जिनका नेट क्वालिफाइड है या पीएचडी क्वालिफाइड, मतलब जो पीएचडी वाले हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपका सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, 2 साल की वैलिडिटी, अगर आपका वैलिडिटी पीरियड के अंदर है तो आप नेट, अगर आपका क्वालिफाइड है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। अब उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ बाकी सभी पोस्ट के लिए भी, तो आप बाकी सभी पोस्ट को भी यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। देखिए ये सारी पोस्ट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास सारी पोस्ट मेंशन है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और आता है कि सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस में, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस आता ही है। उसके बाद असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए दे रखा है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस मैटर करेगा, यूटीसी के लिए भी बात कर रखी है, तो यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में बात कर रखी है, ठीक है, और एलडीसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है।
अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं, वो पॉइंट ये है कि ऑल द कैंडिडेट हु कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेलेवेंट सर्टिफिकेट एज अ मार्कशीट फॉर ऑल द ईयर सेमेस्टर। आपके पास सारी सेमेस्टर्स उनका सबका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी यहाँ पर लिखा है, सपोज आपका मास्टर्स कवर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम मेन बात करते हैं कि यहाँ पर आपको फॉर्म अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी, अगर आप 2 आवर्स एग्जाम, यहाँ पर उन्होंने बताया 2 आवर एग्जाम 1 आवर एग्जाम, तो टोटल चार्जेस के बारे में मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर। देखिए उन्होंने कहा है कि आपके पास अगर 2 घंटे का एग्जाम है, ठीक है, वो आपको पता चलेगा जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे ना, यहाँ पर आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा, अभी दिखा भी देंगे। 750 एग्जाम पर 250 रुपये आपके टेस्ट सेशन, यानी लगभग 1000 रुपये लगेंगे। अगर आप 1 घंटे का एग्जाम दे रहे हैं तो आपका 500 में ये होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या सीन है कि भाई ये कुछ और भी चीज़ें मेंशन है, SC ST PWD एक्स सर्विस मैन, इन सब का क्या है, 1 आवर टेस्ट के लिए मेंशन है, जिनका जो एक्स सर्विस मैन 1 आवर टेस्ट की मैं अगर बात करूँ, और वुमेन को कोई फीस पे नहीं करना है, ठीक है, कोई फीस पे नहीं करना है, SC ST PWD और वुमेन्स को 1 आवर वाला जो टेस्ट होगा उसके लिए कोई फीस पे नहीं करना है। बट ऑल द कैंडिडेट रिक्वायर टू रजिस्टर एंड पे द टेस्ट सेशन चार्जेस ऑफ 250। सबको अगर आपको 2 घंटे वाला टेस्ट देना है तो 250 रुपये अपने रिचार्ज वो देना पड़ेगा आपको टेस्ट चार्ज। अगर 1 आवर का आप टेस्ट देना चाहेंगे तो आपका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए मेंशन कर रखा है, ठीक है। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट आप इन सभी पॉइंट के बारे में एक बार डिस्कस कर लेना, सारे पॉइंट को अच्छे से रीड कर लेना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, टाई केसेस वगैरह सब बता रखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैसे पेपर होने वाला है, ये आ गया पेपर के बारे में भी, यहाँ पे आ जाएगा आपका पेपर। टोटल मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, CBT के ऊपर पेपर होगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सारा पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हिंदी में भी है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि मैम इसे अप्लाई कहाँ से करना है, तो आप यहाँ पर इसे क्लिक करें, एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही क्लिक करते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, खुद को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर खुद को क्या करें, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपको मैंने कौन सा लिंक लिया, अगर आप यहाँ पर एक बार सारे ऑप्शन ओपन करके देखना कि किस किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपके पास है, यहाँ पर इसे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आप अप्लाई, इनसे पहले इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनको मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो कि अगर हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो किस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, एक बार आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर द CPCB बोर्ड के लिए। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है मेरे पास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आप यहाँ पर देखिए, अगर आप सभी स्टूडेंट CSIR UGC NET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि CSIR UGC NET का जो एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट हो रहा है जून में, जून 2023 में एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड अल्का कैम कोड यूज़ करेंगे तो आपको पूरा 20% ऑफ मिलेगा। आप देख सकते हैं 3 मंथ का प्लान भी है, 9 मंथ्स का प्लान भी, आप दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिसंबर के लिए भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ देखिए कि मैं खुद आपको CSIR NET में पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द डिटेल कोर्स ऑन द केमिकल थर्मोडायनामिक्स बेसिक टू एडवांस CSIR UGC NET। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप अनअकेडमी पे जाते हैं, मेरी मुझे सर्च करते हैं प्रोफाइल को, वहाँ आपको मेरी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी CSIR NET के रिगार्डिंग। जैसे ये देखिए टेस्ट और योर प्रिपरेशन ऑन द थर्मोडा, ये CSIR NET का हम यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि जून में एग्जाम है, तो अभी आप, और ये फ्री क्लासेज है, आप इन्हें बिल्कुल सिंपली फ्रीली असेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकेडमी पे सर्च करना होगा मेरा नाम अलका रानी। जैसे ही आप मेरा नाम वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये मेरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है, आपको मेरी क्या मिल जाएगी, यहाँ पे क्लास मिल जाएगी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अगर आपको तैयारी करनी है तो बच्चा आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, ये कोड यूज़ कर सकते हैं ALKACHEM, ये कोड यूज़ करने से आपको पूरा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इस तरह की हर एक इन्फॉर्मेशन अलियम केमिस्ट्री चैनल आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।